A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Badwani and we have finally received the notification from the council regarding the results of class 10th and class 12th ICSE and ISC. Okay, so council ka ye jo notification hai, iske according aapke jo results hain, that will be out on May 6, 2024 at 11 am, matlab ki kal subha 11 baje. तो फॉर द 2024 एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट जिनको रिजल्ट चेक करना है वो डायरेक्टली काउंसिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं. ओके, दैट इज cise.org. और वहां पर क्लास 10th के रिजल्ट्स के लिए आपको आईएससी चूज करना पड़ेगा, क्लास 12th के रिजल्ट के लिए आपको आईसीएससी चूज करना पड़ेगा एंड 12th के लिए आईएससी चूज करना पड़ेगा. देन व्हाट थिंग्स यू नीड टू हैव विद यू, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना, यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और ये जो स्क्रीन पर नंबर्स आते हैं उसको यू हैव टू राइट इट देयर सो दैट यू कैन टेल देम दैट यू आर नॉट अ रोबोट. देन यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट्स, गेट इट प्रिंटेड और उसके बाद ये आप अपने जो भी कॉलेज में अप्लाई करो स्पेशली क्लास 12, तो दे कैन गो एंड सबमिट इट देयर. ओके, बाकी ये स्कूल्स के लिए वाला है तो इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है. इसके बाद इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट और के लिए भी बताया गया है. ठीक है, तो डिजी लॉकर पे इट इज देयर, यू विल फाइंड इट देयर. अभी जो आपके काम की चीज है दैट इज द पार्ट ऑफ रीचेक. ठीक है, तो रीचेक के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं जिनको रीचेक करवानी अपनी जो भी कॉपीज हैं, तो उसके लिए यू नीड टू लॉग इन टू द सर्विस पोर्टल. मतलब वहां पर जाना, जो हेड ऑफ द स्कूल्स हैं उनको जाकर के आप अप्लाई करोगे कि आप रीचेक करना है रिजल्ट्स आपको. ठीक है, तो दे विल गो एंड अप्लाई और जो चार्जेस हैं इसके रीचेक के, मतलब यू विल आस्क गो टू द कॉलेज स्कूल एंड देन उनकी तरफ से ये एप्लीकेशन जाएगा और ये इसके लिए यू हैव टू सबमिट 1000 रुपीज पर पेपर पर कैंडिडेट. ठीक है, और सेम इज विद क्लास 12th ऑल्सो. जो रीचेक मॉड्यूल है, जो चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, वो 6 मई से होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और वो 10 मई तक का ऑप्शन आपके पास है. इसके बाद इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो रीचेक और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो अगेन करियर्स जो इनकी वेबसाइट है उस पर आ जाएगा, जो स्कूल्स ही एक्सेस कर पाएंगे और उसके बाद 4 वीक्स के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा रीचेकिंग के बाद. और कैंडिडेट्स अगर उस रिजल्ट से भी सैटिस्फाइड नहीं है तो वो रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से. अब रिवैल्यूएशन वाला पार्ट आता है. रिवैल्यूएशन मतलब रीचेक होते हैं कि सिर्फ टोटलिंग एंड ऑल करना. ओके, रिवैल्यूएशन वाला पार्ट आता है इसमें. तो रिवैल्यूएशन में 10th as well as class 12th के लिए they have 1500 option और उसके बाद the same thing is there कि again उनको schools से के through revaluation का जो option है वो choose करवाना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद वही same method है जो revaluation है वो that will be available only for 24 hours. अगर recheck का result show कर दिया गया आपको नहीं समझ में आया तो उसके 24 घंटे तक ही आपके पास revaluation का ऑप्शन रहेगा और ये 3 हफ्ते के बाद ही 3 वीक्स के अंदर आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा. अब आता है कंपार्टमेंट एग्जाम, जिससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं. हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला जो है, दे कैन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने मार्क्स इम्प्रूव करने, ग्रेड इम्प्रूव करने इन द सेम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं इन अ मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट्स. ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जुलाई में कंडक्ट होते हैं और इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इसी काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएंगी शॉर्टली. इन द सेंस यूजुअली क्या होता है कि जब भी रिजल्ट आता है रिजल्ट के सेम डे, रिजल्ट के अगले दिन वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन इस पे मेंशन कर देते हैं. तो वट एवर विल बी द केस, वो आपको बता दिया जाएगा. लास्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम हुए थे आई गेस 12 जुलाई को. ओके, तो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट 12 जुलाई को हुए थे, तो वैसे कुछ डेट्स दी गई थी तो वहां से मतलब बिगनिंग हुई थी. तो वैसे ही दिस इज ऑल फॉर टुडे. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट्स एज वेल. अच्छा अच्छा सोचना, बी पॉजिटिव एंड प्लीज स्लीप, डू स्लीप टुनाइट. ओके, विथ पॉजिटिव वाइब्स, गुड विशेस. Thank you.